नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको 2019 में होने वाले असेंबली इलेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं 2019 में असेंबली इलेक्शन पूरे भारत देश में होगा। लगभग 30 राज्यों में ये इलेक्शन होगा और किस राज्य में कौन सी तारीख कौन से महीने में इलेक्शन की पोलिंग की डेट रखी गई है हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। 2019 में जो भारत में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। बिहार में 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में और 7 मई से 12 मई के बीच में होगा। उड़ीसा में इलेक्शन 10 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में होगा। वेस्ट बंगाल में 17 से 30 अप्रैल के बीच में पोलिंग हो सकती है और 7 से 12 मई के बीच में भी। झारखंड में 10 अप्रैल, 17 अप्रैल और 24 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में 10 अप्रैल, 17 अप्रैल और 24 अप्रैल। मध्य प्रदेश में 10 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में हो सकती है पोलिंग। गोवा में 17 अप्रैल, गुजरात में 30 अप्रैल, महाराष्ट्र में 17 से 24 अप्रैल के बीच की डेट दी गई है। राजस्थान में भी 17 से 24 अप्रैल की डेट है। हरियाणा में 10 अप्रैल, हिमाचल प्रदेश में 17 मई, जम्मू और कश्मीर की घाटी में 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में वो पोलिंग होगी और 7 मई को भी की जाएगी। उत्तराखंड में मई के महीने में पोलिंग की जा सकती है। कर्नाटक में 17 अप्रैल, केरला में 10 अप्रैल, तमिलनाडु में 24 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 30 अप्रैल, मणिपुर में 9 अप्रैल और 17 अप्रैल को, मेघालय में 9 अप्रैल, मिजोरम में 9 अप्रैल, नागालैंड में 9 अप्रैल, अरुणाचल प्रदेश में भी 9 अप्रैल दी हुई है। दोस्तों असम में 7 से 24 अप्रैल के बीच में पोलिंग होगी। सीमन में 12 अप्रैल, त्रिपुरा में 7 से 12 अप्रैल के बीच में पोलिंग की जा सकती है। अंडमान में 10 अप्रैल, चंडीगढ़ में 10 अप्रैल और दिल्ली में भी 10 अप्रैल की तारीख दी गई है। दोस्तों अब देखना यह है कि ये जो तारीख डिक्लेयर हुई है इसी डेट पर होगा हमारा असेंबली इलेक्शन हमारे देश का, या फिर डेट आगे पीछे भी की जा सकती है। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही दिलचस्प खबरों के साथ में। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।